हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर आशा गावड़े उमंग हॉस्पिटल से। जो प्रेगनेंसी में बहुत ही कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है पेशेंट्स का कि डॉक्टर मुझे दूध बिल्कुल भी पसंद नहीं है, सच में दूध पीना कंपलसरी है क्या? आइडियली आपने दूध पिया तो अच्छा ही रहेगा क्योंकि दूध में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं। उसमें कौन से आता है? प्रोटीन आता है, कैल्शियम आता है, विटामिन डी आता है, आयरन आता है, फैट आता है। तो आइडियली आपको दूध लेना है। अभी जो प्रोटीन रहता है मिल्क वाला, उसमें 9 अमाइनो एसिड्स रहते हैं जो बच्चे का मसल मास बनने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी रहते हैं। तो आइडियली आपको वो दूध लेना है। दूसरा कि ये प्रोटीन मदर के हेल्थ के लिए भी अच्छा रहता है और इन जनरल बच्चे के ग्रोथ के लिए भी वो प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी दूसरा आता है कैल्शियम। कैल्शियम का भी अगेन वही है, बच्चे का जो बोनी हेल्थ है, अच्छे से बोन डेवलपमेंट के लिए भी कैल्शियम का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। दूसरा कि बच्चे के टीथ डेवलपमेंट के लिए, जब बच्चा मदर के पेट में रहता है तो टीथ तो नहीं बनते लेकिन टीथ के पोर्स बनते हैं। तो हम लोग डिलीवरी के बाद कभी कभी पेरेंट्स लोग बोलते हैं कि डॉक्टर बच्चे के 1 साल हो गया लेकिन स्टिल बच्चे को अभी तक टीथ नहीं आए हैं। तो जो बच्चों का लेट टीथ डेवलपमेंट रहता है उसका रीज़न रहता है कि इंट्रायूटराइन कैल्शियम डेफिशिएंसी। तो अगर आपने कैल्शियम अच्छे से लिया, अगर आपने दूध अच्छे से लिया तो आपके बच्चे के दांत टाइम पे डेवलप हो जाएंगे। अभी तीसरा इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है विटामिन डी। विटामिन डी जो है वो कैल्शियम एब्सॉर्प्शन के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी रहता है और इन जनरल बोन और मसल हेल्थ के लिए भी विटामिन डी जरूरी रहता है। और दूसरा है कि इम्यूनिटी भी बढ़ता है, इवन विटामिन डी स्किन डेवलपमेंट के लिए भी बहुत अच्छे से काम करता है। तो ये प्रोटीन, कैल्शियम और विटामिन डी बहुत मदर और बच्चे के बोन, टीथ और मसल मास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आइडियली आपको दूध लेना है। अभी कितना दूध लेना है? आइडियली 2 ग्लास दूध सफिशियंट है, 250 ml का 1 ग्लास, यानी ऐसे 2 ग्लास आप दिन में कभी भी ले सकते हैं। अभी जो पेशेंट कैल्शियम की दवाई टाइम पे नहीं खा रहे, इरेगुलर ले रहे, या किसी का सेकंड या थर्ड प्रेगनेंसी है जिनका कैल्शियम रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, उस केसेस में आपको ज़्यादा दूध लेना है, 2 की जगह 3 ग्लास दूध लेना है। अभी कुछ पेशेंट्स बोलते हैं कि डॉक्टर हम लोग को दूध बहुत पसंद है तो हम लोग 4 या 5 ग्लास दूध भी ले सकते क्या? आइडियली कुछ ज़रूरत नहीं है क्योंकि अननेसेसरी आपको गैसेस, ब्लोटिंग और इनडाइजेशन होगा, तो सफिशेंटली आप 2 या 3 ग्लास दूध ले सकते। अभी दूध कौन सा लेना है? बहुत सारे पेशेंट पूछते हैं कि गाय का दूध ले या भैंस का ले या हम लोग पैकेट का दूध ले। आइडियली पाश्चराइज मिल्क आपको लेना है। पाश्चराइज यानी वो प्रोसेस मिल्क रहता है। अनपाश्चराइज मिल्क में थोड़ा बहुत बैक्टीरियल कंटामिनेशन और फूड इनडाइजेशन का प्रॉब्लम हो सकता है, इन्फेक्शन की रिस्क रहती है। अभी जो पेशेंट्स गांव में रह रहे हैं जहाँ पे पैकेट का दूध अवेलेबल नहीं है, तो वो लोग अगर अनपाश्चराइज दूध लेना चाहते हैं तो उनको क्या करना है? वो दूध उनको दिन में 2 या 3 बार बॉइल करके ही लेना है। अभी आगे का क्वेश्चन रहता है पेशेंट का कि डॉक्टर हम लोग को प्लेन दूध तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो दूध के स्मेल से ही उल्टी आती है, तो हम लोग कौन से फॉर्मेट में दूध ले सकते हैं? बहुत सारे फॉर्मेट है। अभी इसमें क्या है कि आपके डॉक्टर आपको प्रोटीन पाउडर एडवाइस करते हैं, तो 1 ग्लास दूध में 2 चम्मच डाल के आप वो दूध ले सकते हैं। अभी उसका एडवांटेज क्या रहेगा? 2 तरीके से रहेगा, एक तो प्रोटीन एब्सॉर्ब अच्छा होगा और दूसरा आपके दूध का फ्लेवर एंड टेस्ट बढ़ जाएगा। अभी दूसरा है कि आप ड्राई फ्रूट्स का पाउडर भी डाल के ले सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स आप रोस्ट करके अच्छे से एयरटाइट डब्बे में पैक करके रखो और 2 चम्मच 1 ग्लास दूध में डाल के वो ड्राई फ्रूट्स वाला दूध भी आप ले सकते हैं। अभी रात को आप हल्दी और अदरक का दूध भी ले सकते हैं। उसमें क्या है, आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इम्यूनिटी बढ़ेगा, आपको सर्दी खांसी होने की रिस्क कम हो जाएगी। और अगर आपको हल्दी और अदरक वाला दूध पसंद नहीं है तो आप अगेन प्रोटीन पाउडर वाला दूध भी ले सकते हैं। अभी कुछ पेशेंट पूछते हैं कि हम लोग को केसर वाला दूध लेना है। पेशेंट में बहुत सारे मिथ्स है। आइडियली केसर खाने की वजह से मेरा बच्चा गोरा होगा, इसलिए पेशेंट केसर वाला दूध पीना चाहते हैं, लेकिन इट्स टोटली रॉन्ग। बच्चा गोरा होना या काला होना वो अल्टीमेटली जेनेटिक कंपोनेंट है। आपके स्किन का टोन और कलर कैसे है उसके ऊपर ही बच्चे का कलर डिपेंड रहेगा। तो केसर क्या है, सिर्फ फ्लेवरिंग एजेंट करके काम करेगा, आपके दूध का टेस्ट बढ़ाएगा, आपको थोड़ा डाइजेशन में हेल्प हो जाएंगी, पेशेंट का नौशिया वॉमिटिंग थोड़ा सा कम हो जाता है। तो ऐसा केसर पीने की वजह से बच्चा गोरा होगा ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर
आपको आपके बच्चे का स्किन का टेक्सचर और टोन अच्छे से बनाना है तो आप विटामिन ए और विटामिन सी के रिच फ्रूट्स ले लो, लगा तो उसके सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं। अभी आगे का क्वेश्चन रहता है पेशेंट्स का कि डॉक्टर मुझे दूध सूट नहीं होता, दूध पीने के बाद मुझे लूज मोशंस होते हैं, पेट में दर्द होता है, बहुत सारा वॉमिटिंग होता है, उसको बोलते हैं हम लोग लैक्टोज इनटॉलरेंस। लैक्टोज करके एक प्रोटीन रहता है दूध में जो किसी किसी को सूट नहीं होता है, उसकी वजह से पेशेंट को इंडाइजेशन होता है और तकलीफ होती है, तो उस केस में उनको दूध के और फॉर्मेट भी वो ले सकते हैं। और फॉर्मेट में क्या आता है, वो मिल्क शेक ले सकते हैं, वो बटर मिल्क ले सकते हैं, वो दही ले सकते हैं, वो चीज़ ले सकते हैं, वो पनीर ले सकते हैं, वो खीर भी ले सकते हैं, और वो सोया मिल्क ले सकते हैं, वो आलमंड मिल्क भी ले सकते हैं। तो बहुत सारे वे आउट है। अगर आपको प्रेगनेंसी में दूध पसंद नहीं है तो आप मेरा वीडियो देखो, आप अलग अलग फॉर्मेट में वो दूध लेने का ट्राई करो। दूध आपके और आपके बच्चे के बोन के लिए, मसल के लिए, बच्चे का वेट बढ़ने के लिए, हड्डी अच्छे से बनने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आपके जो भी प्रेग्नेंट फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर करो और इसको लाइक करो। थैंक यू।